ट्रांसफर कैसे हो सकता है या फिर चार्ज अपडेट कैसे किया जा सकता है। तो उसमें ही पहला जो वर्ड था जहां से इंट्रोडक्शन हुआ, दैट वाज रबिंग। रबिंग से हमें पता चला कि कुछ वो जनरेट हो रहा है चार्ज टाइप से। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो फिर बेसिक इंट्रोडक्शन था कि यार इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, 1e के बराबर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप सबने मुझे बताया था। इसका रीजन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था और ना वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज वेरी मच सफिशियंट फॉर अवर नीट प्रिपरेशन। तो नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1e चार्ज। और एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने बोला था कि वो है पॉजिटिव चार्ज। एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने बोल दिया था कि वो है पॉजिटिव चार्ज। तो एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या था कि ये जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के आप बाहर किक आउट कर दोगे तो जो नेट चार्ज बच गया, दैट विल बी बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो प्रोटोन की वहां पे था। अब देखो ये खाली जगह बच गई और इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन पे तो आ गया नेगेटिव, और नेट चार्ज जो बच गया एटम पे वो क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चार्ज, जो ना इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस से होगा वो क्या आएगा, +1e। ये कल हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें आप सभी, एक बच्चे का डाउट था, वो बहुत ही सुंदर डाउट था। मतलब जनरली हम लोग भी इसको स्किप कर जाते हैं क्योंकि इंट्यूटिवली ऐसा रहता है ना कि लगता है कि आर आई लिख दे या ए लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो उन्होंने पूछा था, कौन था भाई, एक बार हैंड रेज करेगा जिसने वो डाउट पूछा था। हाँ, सात्विक ने पूछा था, शाबाश। तो इसमें देखो M0, L0, T1, और इन्होंने कहा था कि सर A1 लिख सकते हैं क्या, A1। तो अब इनकी बात भी जायज है, आप लोगों को भी फील हो रहा होगा कि यार करंट का हमने यूनिट कहीं ना कहीं पढ़ा है कि एम्पियर होता है। बट बेटा है ना, जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे या बुक्स में भी देखोगे तो मिक्स फीलिंग है इसके लिए, ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है। बट इन माई ओपिनियन जो फर्स्ट वन है ना, M0L0T1I1, ये ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, दिस इज मोर करेक्ट आंसर, और शायद यही करेक्ट आंसर है। मतलब आप बोलोगे कि तो सभी एक्सक्यूज मी सर, बिकॉज एनसीईआरटी में +1 की एनसीईआरटी में लास्ट में ना जब ए दे रखा डायमेंशनल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं वहां पर A1 नहीं दिया हुआ है। है, A1 दिया हुआ है, ठीक है। यस लेकिन सर, बहुत सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें I1 भी दे रखा है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ मेरा लॉजिक क्या है कि जो फर्स्ट वन है उस पे, उसके लिए द फर्स्ट, उसके लिए लॉजिक क्या हो गया कि जैसे अगर हमने M0 लिखा, हमने ये तो नहीं लिखा KG1 m1 है ना, सेकेंड वन ऐसे तो नहीं लिखा, हमने लिखा M0L0T1। अब देखो मास को हमने यूज किया, ऐसे यूज किया, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम, ये यूज किया। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका भी जो सिंबल है वो आई होता है ना। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड जो सोर्सेज हैं उनमें आई दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो ए भी इसमें एनसीईआरटी में ए दिया हुआ है, मैंने तो ढूंढा मिला नहीं, लास्ट में हो सकता है जो इंडेक्स अपेंडिक्स है उसमें हो सकता है बिल्कुल। तो अगर वहां पे ए दे रखा है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मैं तो ये बोल ही रहा हूँ कि दोनों ही करेक्ट है, बट मोर करेक्ट मुझे ये लगता है। अगर आपको क्वेश्चन, मतलब देखो हम अब उसको ना इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है। सही तो ये भी है और सही तो ये भी है। अब इसमें कौन सा ज्यादा सही है, मुझे ये पहला वाला लग रहा है। किसी को सेकंड वाला भी लग सकता है कि ठीक है चलो यार हम एम्पियर का ए यूज करते तो यूज कर सकते हैं। और सोर्सेज जो हमारे पास हैं, बहुत सारे सोर्सेज में आई भी लिखा हुआ है, बहुत सारे सोर्सेज में ए भी लिखा है। तो ये मैंने थोरली कल चेक किया, बट इन माई ओपिनियन द फर्स्ट वन इज मोर करेक्ट, बट दिस इज ऑल्सो इक्वेलेंटली करेक्ट। तो अगर आपको पहला दिखे तो भी सही कर देना, दूसरा दिखे तो भी टिक मार देना, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ मेजर मतलब डाउट, क्योंकि फिजिक्स वाइज तो दोनों ही सही है, बट पहला भी सही है दूसरा भी सही है। जो दोनों में से कोई दिख जाए टिक मार देना, ठीक है। मेरा जो ओपिनियन है वो फर्स्ट वन के साथ जा रहा है, किसी का सेकंड के साथ भी जा सकता है। तो दैट इज मतलब यार अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, तो फिर वो पर्सनल उस पर आ जाता है कि आपको कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी ये बोल रहा है तो ये भी सही है, बहुत सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज है वो ये भी बोल रहे हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें ये भी सही लिखा हुआ है, तो ये भी सही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो एक बहुत मतलब थोड़ा ध्यान से देखा आपने तो अच्छी बात है, क्योंकि मिस हो जाता है ये ऐसा छोटी छोटी चीजें। फिर हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ चार्जेस क्या है। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव के बारे में मैंने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। और एबसेंस को क्या बोलेंगे, बोलो भाई बोलो, अनम्यूट कर पॉजिटिव सकते हो अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइजेस नहीं है तो अनम्यूट करके रखो, कोई दिक्कत नहीं। एब्सेंस ऑफ चार्ज को, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, हाँ,
ठीक है ना, इसी वजह से फिर हमारा एक कंक्लूजन निकला था कि नेगेटिवली चार्ज बॉडीज है, दे हैव स्लाइटली ग्रेटर मास। क्यों? क्योंकि उस पर बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनका भी तो मास ऐड हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की याद में मरे जा रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रिड्यूसेस मास बाय वेरी स्लाइट मैग्नीट्यूड। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल सिनेरियो नहीं था, बट फिर भी थ्योरी के रिस्पेक्ट में ये कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इफ दे वर इनिशियली आइडेंटिकल। शुरुआत में दोनों दिए गए ऑब्जेक्ट दोनों इनिशियली आइडेंटिकल थे, तो उनमें एकदम एटम टू एटम सिमिलैरिटी थी, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। फिर चार्जेस इधर से चले गए इधर पे आ गए, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत उसमें स्लाइट डिफरेंस आएगा, ये हमने कल देखा। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि हमने चार्ज समझ लिया कि सर जिसकी वजह से शॉक लग रहा है, जिसकी वजह से करंट लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे चट चट फील हो रही है, जिसकी वजह से मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप पेपर क्लिप ये पेपर के जो बिट्स हैं उनको उठा पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्केल, या और भी अट्रैक्शन हो रहा है एम्बर के साथ, सिल्क का, या फिर कपड़े के साथ, जो भी हमने कल डिस्कस किए थे, पेन के साथ बालों का, बैलून के साथ बालों का, थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म, इतने सारे एग्जाम्पल थे, फोन चार्ज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन सभी के पीछे जो एग्जैक्ट फिनोमिना था दैट वाज चार्ज। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी जी? तो उसकी प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी थी कि चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना तो इसको क्रिएट कर सकते, ठीक है, ना तो इसको क्रिएट कर सकते, ना इधर इट कैन बी क्या बोलते हैं, क्रिएटेड का अपोजिट क्या होगा, डिस्ट्रॉयड। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते ना इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते। क्या कर सकते हो? यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट भाई, इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करना इज नॉट ए इजी टास्क ना। इलेक्ट्रॉन तो हमारे पहले से ही थे, और मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इफ दे आर बाउंड टुगेदर टुगेदर इन टू द एटम, तो उस केस में क्या होगा, द चार्ज इज बैलेंस्ड, और आपने निकाल दिया तो यू हैव रीडिस्ट्रीब्यूटेड द चार्ज, तो दैट इज द ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल, है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, क्रिएशन और डिस्ट्रो डैमेज करना वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। तो ये हो गया दूसरा क्वांटाइज्ड। ये मैंने बताया था कि 1.5 2.5 ऐसे नहीं हो सकता, 1.1 मतलब डेसिमल में नहीं आ सकता, फ्रैक्शंस में आप नहीं डाल सकते चार्ज को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज इंटीग्रल, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है नहीं, तो चार्ज भी आधा इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये कल देख लिया था। फिर वन इलेक्ट्रॉन इज द स्टैंडर्ड चार्ज, वन ही, उसकी वैल्यू क्या थी, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। 1E = 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। तो ये चार्ज होता है स्टैंडर्ड चार्ज, और इसको बोलते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कूलम क्या था? कूलम था SI यूनिट ऑफ चार्ज, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स पे था, 3 × 10⁻¹⁹, बताओ, 9 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी लगभग 300 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा दैट इज द चार्ज इक्विवेलेंट टू 1 कूलम। और कूलम बहुत छोटी यूनिट है, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि यार ये वाली कंडीशन जो है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक एटम की बात कर रहे हो, और कूलम में कितने आ गए, 300 करोड़, तो वो चीजें आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं आज का, अब यहां से आज का काम स्टार्ट होता है, थोड़ा लेट हो गए भाई, जल्दी आया करो। अभी देखो 15 मिनट हमारे कल वाले में बीत गए, अब मैं कल से क्या करूंगा, आई विल बी ज्वाइनिंग 5 से 10 मिनट पहले, और फिर आप तब तक जो लेट आने वाले ना, तब तक रिवीजन वाला पार्ट पूरा हो चुका होगा, ठीक है ना। तो ये करेंगे, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। यार एक सेकंड दो मुझे ना, मैं थोड़ा पानी पी लूँ एक बार। तो अब तक जो हमने डिस्कस कर लिया दैट वाज कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में हम क्या देख रहे हैं, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइट चार्जेस क्या हो सकते हैं, प्लस और प्लस, और या फिर माइनस और माइनस। तो लाइट चार्जेस रिपेल,
अगर आप पॉजिटिव चार्ज है उसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो दे विल बी रिपेलिंग इन नेचर, वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को एक दूसरे से दूर दूर पुश करने की कोशिश करेंगे, और अगर लाइक चार्जेस है अनलाइक चार्जेस है तो दे विल बी अट्रैक्टिंग, है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, लाइक चार्जेस से रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, बट इफ दे आर अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव है और उसके साथ साथ नेगेटिव भी है तो दोनों ऐसा होगा तो दे विल बी अट्रैक्टिंग इन नेचर। देखो यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस था, अगर ऐसा हाइपोथेटिकल सीन आपके पास आता है तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उसकी वजह से ये दूर दूर जा सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कहीं, है ना, याद है किसी को भाई, पहले पढ़ा हुआ है ना ये चीज, नाइन्थ में पढ़ा होगा शायद, टेंथ में, टेंथ में पढ़ा था, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टीज ये वाली बात थी कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी, अगर मैं क्यू लिखता हूं किसी बॉडी पे, अब तक हमने बात करा इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई नेगेटिव, ठीक है, अब जो पॉसिबल चार्जेस है नेचर में प्रैक्टिकली वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स ही होंगे, ये हमने देखा क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, ठीक है बच्चे, तो अब तक हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी बॉडी पे वो चार्ज जो है वो क्या हो सकता है, तो ये हमने देखा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोलते थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन हमने दिखाई थी, देखो ये वाली कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड की वजह से क्या हो रहा है इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, उसी वजह से देखो कि चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी क्यू और वो प्लस माइनस एन ई, एन क्या हो सकता है, एन इज सम इंटीजर, एन इज सम इंटीजर, तो एन की वैल्यू प्लस 1 2 3 4 5 हो सकती है या फिर माइनस 1 2 3 4 5 हो सकती है, तो ये वही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से ही ऐसा पॉसिबल होगा कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है, इसे घबराएंगे नहीं, बस उसी बात को लिख दिया है मैथमेटिकली, इसके अलावा कुछ नहीं, एग्जाम्पल जो लिखा है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द पॉसिबल चार्जेस और ये बट नॉट दीज दिस दिस दिस, तो माइनस का भी डेसिमल में नहीं जा सकता और प्लस का भी नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डैमेज करना है, इलेक्ट्रॉन को फर्दर उसके टुकड़े करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी क्वांटाइजेशन से आ गया, दीज चार्जेस आर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल क्या है ये वाले, प्लस के भी पॉसिबल है इंटीग्रल में और माइनस के भी पॉसिबल है, तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है बच्चे, अब इसके बाद और प्रॉपर्टी देखो कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम मास, तो ये तो लिखने भर बच गया था, बाकी हमें तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास होगा, यस और नो, यस सर, मास है, अब इस मास की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसी की वजह से क्या है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद सम मास, बिना किसी मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कह रहे सम मास, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का ही मास है, दैट इज वाई चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, अब देखो ये क्या आ रहा है, आपने सुना है कि क्या नाम था उनका न्यूटन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं, यस सर, जब आप लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हो तो आपके मास में वेरिएशंस आने लगते हैं, कैसे आएगा, देखो फॉर्मूला शायद यही है कि E is equals to mc square, हाँ वो तो उनका इक्वेशन है मास एनर्जी कन्वर्जन का, E equals to mc square, ठीक है बच्चे, ये c जो है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है याद है किसी को, 3 × 10⁸ यूनिट भी बताओ, पूरी बात बताओ, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो अब इनका ये तो एनर्जी कन्वर्जन का फॉर्मूला है, बट मास का अगर आप लिखने लगो कि मास कैसे वेरी करेगा, तो उसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि m इज इक्वल टू m नॉट, m नॉट क्या है, रेस्ट पे मास, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कितना मास होगा, अब डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके वॉल्यूम लिख दिया है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट और इसका स्क्वायर, ठीक है, तो अब इसमें देखो जब ये स्पीड जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v है, व्हेन इट अप्रोचेस स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर ले, मान ले बराबर हो गए, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, v बाय c, लगभग 1 हो गया, है ना,
भाई वी और सी बराबर हो गए तो ये वी बाई सी वन नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे लिखूंगा सी बाई सी तो वन हो गया। अब वन माइनस वन कितना हो गया, लगभग जीरो है ना, टेंडिंग टू जीरो। तो जब ये नीचे वाली वैल्यू ये है ना, सिलेबस का नहीं, बस समझ लो ऐसे कि मास जो है दैट विल बिकम ग्रेटर एंड ग्रेटर, बट दैट इज फॉर मास। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं कि चार्ज जो है दैट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हो, चाहे आप रेस्ट रहे हो, चाहे इफ यू आर एनीवेयर इन बिटवीन, तब भी चार्ज जो है वो जो चार्ज था वही रहेगा। मान लो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं आपको बोलता हूँ कि दिस इज सम मास, ठीक है 2000 न्यूटन, ये तो वेरी कर रहा है। अब आपने स्पीड, ये इनिशियली 1000 था, उसे आपने बढ़ाया तो 2000 हो गया किलोग्राम, मास की बात हो रही ना, तो किलोग्राम यूनिट होगा, तो 1000 किलोग्राम था ये, इसको आपने बहुत तेज एक्सेलरेट किया, कितना कर दिया कि 0.99 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गया, यानी 99% पहुंच गया है, बस बराबर नहीं हुआ बट लगभग उसके बराबर हो गया, तो ये मास बढ़ गया। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं होगा। चार्ज मान लो अगर आप 10 कूलम चार्ज को लेकर रेस्ट पे बैठे हो तब भी वो 10 कूलम रहेगा, उसको एक्सेलरेट करा के 0.99 सी तक भी इतना भी फास्ट ले गए तब भी वो 10 कूलम ही रहेगा। इसका मतलब है कि इट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, जो रेफरेंस फ्रेम होता है उसके रिस्पेक्ट में चार्ज जो है वो इनवेरिएंट रहने वाला है। ठीक है बच्चे, रेफरेंस फ्रेम याद होगा, भूल गए? यस सर, पढ़ा है। रेफरेंस फ्रेम याद होगा ना, कि जिसके जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को देखते हैं। ये कहाँ पे पढ़ा था आपने, जब आपने मोशन का स्टार्ट किया होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन में इसका इंट्रोडक्शन आता है कि जिस चीज के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो वो तो हो गया रेफरेंस। देखो तीन चीज होती है मोशन में, मैं आपको याद दिला दूं एक बार, जिनको ये रेफरेंस फ्रेम वाला फंडा याद नहीं आ रहा। एक तो हो गया रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR, ठीक है। एक हो गया जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, इसको ओबीजे लिख रहा हूं छोटा सा। और तीसरी चीज क्या है भाई, बताओ बताओ, अब तो बना दिया, ऑब्जर्वर, है ना। एक तो ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक ऑब्जर्वर जो देख रहा है, और तीसरा क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है। तो जनरली हमारा जो ऑब्जर्वर होता है वो ग्राउंड पे खड़ा होता है ऐसे, ठीक है, और ग्राउंड का और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर दे आर रिलेटिविस्टिकली रेस्ट ऑन रेस्ट, एक दूसरे के साथ रिलेशन रखोगे तो रेस्ट है, इसलिए हम बोल देते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड विद ग्राउंड, है ना। हम पूरा नहीं लिखते क्यों, क्योंकि इनहेरेंटली हम मान लेते हैं कि यार 5 मीटर पर सेकेंड है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही होगा। अगर मान लो ऑब्जर्वर दौड़ने लगे इधर 2 मीटर पर सेकेंड से, तो फिर ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 7 मीटर पर सेकेंड और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इनका रेस्ट था, अभी दिन को याद आ गया, ठीक है, नहीं याद आया तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे फिर से याद दिला देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापिस आते हैं इसी पे कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, आ गया होगा समझ, नहीं आया तो भूल जाओ। हाँ जी सर, जो आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है m is equals to m naught, इसमें अंडर रूट भी तो आएगा अपॉन में, नीचे वाले में, यहाँ पे ये, यस सर, हाँ हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस ना, मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया था, हो सकता है अंडर रूट आता है भाई, आता है शायद, हाँ आता है भाई, आता है, याद आ गया कि 1/v/c का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है ठीक है। अब देखो चार्ज की हमने प्रॉपर्टीज देख ली, चार्ज को समझ लिया कि चार्ज क्या है, कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। अब देखो चार्ज को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि चार्ज इज क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड, तो कंजर्व्ड है मतलब ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता ना उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आपको चार्ज करना है तो वो कर सकते हो ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो दैट वो कैसे किया जा सकता है, उसके मेथड्स होते हैं, उनको बोलते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। द फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन, तीसरा फ्रिक्शन, थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड एमिशन। तो ये एक एक करके इनको देखेंगे, ये तीन अलग कैटेगरी के हैं, ये तीन एक कैटेगरी के। अब देखो एक तो चीज हमने देख ली जिससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, वो वाला तो यही था चार्जिंग बाय
फ्रिक्शन हमने क्या क्या रब किया, मतलब हमने नहीं, जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने क्या क्या रब किया, सिल्क क्लॉथ एबोनाइट और एम्बर एम्बर, एम्बर एम्बर। तो एम्बर इन ये सम सम हाँ स्टोन बोल लो इसको, या फिर कोई डाउट पूछ रहा था क्या? हेलो बोल रहे थे नो स्टोन सर या फिर क्या बोलेंगे, रेजिन। तो स्टोन या रेजिन बोल लो, इसको रब किया। रब करने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन से ही चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एम्बर जो था दैट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और क्लोथ था सिल्क क्लोथ वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब मैंने आपको कल ये भी बताया था कि नेगेटिव चार्ज किस पे आने वाला है, नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट मोर इलेक्ट्रॉन मतलब जिसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसको बोलते हैं मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव तो उसकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी। तो सिल्क और एम्बर, सिल्क क्लॉथ और एम्बर का जो पेयर बन रहा है उस पेयर में सिल्क की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर ले, और एम्बर की विद रिस्पेक्ट टू सिल्क ये टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। अब जरूरी नहीं है कि एम्बर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मतलब लूज ही करेगा, कोई ऐसा पेयर भी बनेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन को आप एम्बर को रब करने लगो वुड पे या कुछ और मेटल उस पे मटेरियल पे, तो हो सकता है कि एम्बर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस मटेरियल के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो, तो फिर एम्बर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वो थर्ड मटेरियल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हमें ये देखना है नेगेटिवली नेगेटिव कौन आएगा, तो जो जो पेयर बन रहा है, जो मटेरियल्स का पेयर बन रहा है उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो आएगा नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये देखोगे। और फ्रिक्शन से चार्जिंग हुई, ये तो बेसिस ही था जो हम कल से डिस्कस कर रहे थे। अब देखो इतने मेथड्स हैं, इनको एक एक करके देखने वाले हम, चार्जिंग बाय कंडक्शन इंडक्शन। अब इससे पहले एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ यार मैं, वो बता दूं तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, बट दैट आई विल डिस्कस इन चलो इन द मीन टाइम मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी देखो चार्ज ट्रांसफर है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अच्छा किसी को डाउट है? अभी डाउट तो पूछा ही नहीं, किसी को डाउट है तो बताओ अभी। नो सर, नो सब सर, लोगों को नहीं है? अच्छा जो चुपचाप बैठे हो बच्चों उनको बताओ, वो बताओ सब लोग। नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है, तो हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं है ना, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अभी हमारे पास एक एक्टिविटी करने का टाइम है। आप एक काम करो, जिन बच्चों को अब तक समझ आया है कि सर जो आपने पढ़ाया वो हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो अभी इसमें शर्माना नहीं है कि अगली बार मैं पूछूं कि बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं तो गायब ही हो जाओ तुम लोग। अब मैं रैंडमली नाम लूंगा बच्चे, देखो सबका नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे हैं, मैं नाम लूंगा रैंडमली, और जो भी आपको अब तक जो सबसे सही चीज लगी कि सर ये चीज मेरे को अच्छे से समझ आई, या ये मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप लोग बताना। ठीक है, सात्विक आप बताओ सबसे पहले कि सर अब तक जो पढ़ाया उसमें मुझे सबसे मजेदार चीज ये लगी, या कोई सर प्रॉपर्टी। सारे टॉपिक्स ही अच्छे थे इसमें, चैप्टर में जो स्टार्टिंग में थे सारे टॉपिक्स ही ठीक है। हाँ नहीं, अरे मेरे को जज नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो पढ़ाया वो नहीं, जो आपको अच्छा लगा, जैसे हमने अब तक जो टॉपिक पढ़े उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, जैसे मैं एग्जांपल्स दे रहा था आपको उस टाइम पे कोई एग्जांपल ध्यान में आया हो कि सर मैं ये सोच रहा था, या उस तरीके का, मतलब ऐसा नहीं मेरे को नो जज। सर, ऐसा कुछ नहीं था, जो आपने पढ़ाया था वो सब वही था जो मैं पढ़ाया है। अच्छा जो आपके दिमाग में आया था वही आया था। यस सर, अरे बच्चों के में आता है अलग अलग। ठीक है हर्ष आप बताओ बच्चे। मेरे को भी सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगी चैप्टर अभी तक। अच्छा अरे यार तुम समझ नहीं पा रहे एक्टिविटी को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप देखो कुछ चीजें तो मैंने पढ़ा दी, अब कुछ चीजें आप पढ़ाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बताओ कि सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बात है, या फिर सर मैंने अपने लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। कभी कभी तो आती है ना बैक ऑफ द माइंड, हम लोग थॉट प्रोसेस में बैठे रहते सोचते रहते सोचते रहते, तो कुछ ऐसा है। ठीक है बाकी सब नीचे कर लो हाथ, जो जो बच्चे इस तरीके की फीलिंग में है या कुछ बताना चाहते वो ऊपर रखो, वो बताओ सर। अरे सब अलका बच्चे बताओ बच्चे, अलका देखो। ठीक है अब कल से जो है ना मैं उसमें क्लास में पोल ऑर्गेनाइज किया करूंगा, तो आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट इज द
मतलब उसमें पार्टिसिपेशन की फीलिंग आएगी आप लोगों को भी ना, तो ऐसे आंसर नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा पोल पोल का आंसर करना आता है आपको? अगर मैं पोल ऑर्गेनाइज यस करूँ सर आता है ना? यस ठीक है, सर तो ऐसा करा करेंगे कि जो माइन्यूट कंसेप्ट चेकिंग होती है ना, जैसे अब तक कितना समझ आया कितना नहीं समझ आया, तो वी विल डिस्कस या वी विल ट्राई टू गेट द इनसाइट्स विद द हेल्प ऑफ पोल्स। तो सिंपल सिंपल दो चार क्वेश्चंस बीच बीच में रख लिया करेंगे। ठीक है बच्चे? ठीक है, अब तक कितने बच्चे मेरे साथ में है कि सर अभी तक का जो है, अभी तक तो साथ में चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी तक हमने बहुत कम पढ़ा है, ज्यादा तो पढ़ा भी नहीं है। अरे यार आज खांसी क्यों हो रही है? शायद मौसम बदलो, एकदम गर्मी हो गई है। ठीक है अब देखो भाई, हाँ तो ठीक है, वी विल प्रोसीड फर्दर। अच्छी बात है इतने सारे लोग समझ पा रहे हो बच्चों। ओके, अभी मुझे ऐसा पता चला था, लास्ट टाइम में पढ़ा रहा था तो बोल रहे थे कि कई बच्चों को तो यही नहीं पता चल रहा था सर हैंड रेज कैसे हो रहा है, यही एक चैलेंज हो रहा था, या फिर वो कुछ इशू रहा होगा उनके ऐप के साथ। ठीक है कर लो सब लोग हाथ नीचे। अब वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि कंडक्शन से चार्जिंग क्या हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है। ये पढ़ा है किसी ने? पढ़ा तो होगा यार, यस सर, यस सर, यस सर, हिंदी में किसी ने सर, पढ़ा है अभी तक? हिंदी में 10वीं तक कोई हिंदी में था तो नो ऐसा कोई सर, बच्चा हिंदी नो मीडियम? सर, देखो इनको बोलते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इनको हिंदी में बोलते हैं सुचालक, है ना? कंडक्टर्स आर सुचालक एंड इंसुलेटर्स आर कुचालक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की चाल को या इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को अगर परमिट करें तो दे आर कंडक्टर्स, एंड इफ दे रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हीट दे आर इंसुलेटर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड थर्मल कंडक्टर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट ऐसा पाया गया है कि आमतौर पर वही मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं और हीट के भी कंडक्टर होते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा, अभी देखो मैं चेक करता हूँ कितने बच्चे, अनम्यूट करके आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हाथ वाथ रेज नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताओ। सिल्वर ओके, बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर लिख रहा हूँ इसी, और थर्मल कंडक्टर टीसी। तो आपने बताया मुझे, एक तो नाम मुझे सुनाई दिया सिल्वर, सिल्वर कॉपर सिल्वर कॉपर, और बताओ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम AL, और बताओ आयरन बोल सकते हैं आयरन, और बताओ एक मिस कर रहे हो बेटा, गोल्ड। यस सर, यस गोल्ड, गोल्ड भी तो है। अच्छा इसको है ना वैसे ही लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को इस सिंबल में दिक्कत आ जाएगी। एल्यूमिनियम तो आ रहा है समझ को, आयरन और ये गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, इनफैक्ट गोल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि इट इज बीइंग यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये आपने देखा होगा ना यूट्यूब से, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम ये पीसीबी जो होती है, फोन से निकाल लिया, मदरबोर्ड से निकाल लिया, तो गोल्ड एक्सट्रैक्शन होता है। तो गोल्ड इज वाइडली यूज इन हाईली स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जहां पे आपको बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे कंप्यूटर्स हैं, बहुत फास्ट कंप्यूटर्स हैं, बहुत अच्छे मोबाइल्स हैं, उनके मदरबोर्ड पे, उनके अंदर जो चिप लगी होती है, उनके अंदर इंटरनल वायरिंग इज जनरली डन विद गोल्ड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज वन मेजर रीजन। दूसरे रीजन ये भी है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब अपन 11th का पढ़ेंगे ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना, यही है ना चैप्टर, तो उसमें क्या यस देखा है आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, एक चीज होती है मैलियबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मैलियबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस और फॉर देम बीटन इनटू थिन शीट्स। तो थिन शीट्स में पीट दिया जाए उसको, जैसे आपने बर्फी खाई होगी फंक्शन में, उस पर कभी कभी लगी होती है ना चांदी की बर्क बोलते हैं जिसको, यानी कि सिल्वर कभी कभी लगा होता है, चमकीला चमकीला देखा होगा सबने यस सर बर्फी के ऊपर। यस सर, तो क्या होता है, दैट इज सिल्वर फिल्म। अब सिल्वर इतना पतला कैसे बन पाया, क्योंकि इट इज मोर मेलियबल, और सिमिलर गोल्ड के लिए भी है। तो डक्टिलिटी एंड मेलियबिलिटी इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से गोल्ड इज यूज इन मदरबोर्ड्स। अब देखो सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम आयरन एंड गोल्ड, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्मल भी तो गुड ही है यार, किसी ने ये नोटिस किया कि हमारे बर्तन भी क्या होते हैं, एल्यूमिनियम का होगा, आयरन का होगा, होता है ना? अगर हमारा बर्तन ऐसा नहीं होगा तो उसको गैस पे रखोगे तो वो थर्मल कंडक्टर अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा, खाना बनेगा ही नहीं उसमें। तो ये चीज नोटिस करो कि दोज विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ थर्मल,
एनर्जी, ठीक है ना, हीट के भी गुड कंडक्टर्स हैं, तो इसमें भी एग्जाम्पल यही आने वाले हैं. और इनफैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो ये आपने नोटिस किया. अब कंडक्टर्स का पंगा समझ में आ गया, कंडक्टर्स क्या होते हैं. अब चार्जिंग बाय कंडक्शन देखो, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कि मान लो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिकल, अब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो वहीं जाएंगे. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है कि दैट परमिट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलो या इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को परमिट कर दे, अलाउ कर दे, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, है ना. अब देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपको टच करना पड़ेगा. ये भी देखो, अभी जिन बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स और ये चैप्टर पढ़े होंगे उनको मैं याद दिलाता हूँ कि देर आर थ्री मोड्स ऑफ हीटिंग, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो कंडक्शन जो मोड था उसमें दोनों ऑब्जेक्ट का संपर्क में आना, दैट वाज अ नेसेसरी कंडीशन, दैट वाज अ अनिवार्य थिंग ना. तो कंडक्शन में क्या होगा, दोनों को टच होना जरूरी है. कन्वेक्शन में क्या होगा, लिक्विड है तो कन्वेक्शन हो जाएगा कि वो इनडायरेक्टली फ्लो कर रहा है ऐसे. और रेडिएशन में तो नहीं हो सकता भैया, सन से हमारे पास क्या आती है, सूर्य की किरणें या फिर सूर्य की रेडिएशंस. तो दैट रेडिएशन पार्ट, जो हमारे पास रेडिएशन पार्ट आ रहा है, दैट डज नॉट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. तो ये तीनों थे, इसमें पहला क्या था, कंडक्शन. तो कंडक्शन वो भी यहाँ भी वही है कि दोनों ऑब्जेक्ट को आपको टच कराना पड़ेगा. टच करा दोगे तो एक के पास जो चार्ज था, मान लो मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज रोड थी, तो इस पे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना जो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहे थे. समझ आती है बात, ये देखो यहाँ पे yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास yes, थे. अब मैंने क्या किया, ये न्यूट्रल बॉडी थी. न्यूट्रल का मतलब क्या है, जिसपे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बैलेंस्ड है. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर बैलेंस्ड, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके बैठे हुए और है उसमें प्रोटॉन्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट दे आर इक्वल इन नंबर. अब मैं बाहर से एक रोड लेके आ रहा हूँ, इस रोड के पास है नेगेटिव चार्ज, तो इसमें बहुत सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर को टच कराया. तो जैसे ही टच किया तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, दे ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट इवनली बिटवीन द इलेक्ट्रिक रोड, जो रोड थी और दूसरा जो कंडक्टर था वो. तो क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस रोड के उठकर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये उठकर इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पे आ जाएंगे, ठीक है. अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो यहाँ पे दिखा देता हूं कि अगर ये गुड कंडक्टर नहीं था, फॉर सपोज करो इट इज ए इंसुलेटर. अरे रुक जा भाई, इंसुलेटर, और ये वाला मान लो इट इज कंडक्टर. तो देखो क्या होगा, व्हेन यू ब्रिंग दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज रोड, तो जब आप इसको टच कराओगे, मान लो आपने इंसुलेटर को टच कराया होता, तो क्या होता, जहां जिस पॉइंट पे टच हुआ है केवल वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जहां पे आपने डायरेक्टली टच कराया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, बट द इंसुलेटर डज नॉट परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये अपने अंदर से फ्लो को नहीं कर रहा, तो चार्ज आ गया इधर ही, थोड़ा बहुत चार्ज आ गया और ये फ्लो करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहीं आए जहां जहां पे सिर्फ वो टच हुआ था. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट अगर आपने यही करा होता, अगर ये इंसुलेटर की बजाय कंडक्टर होता, तो क्या होता कि पहले तो चार्जेस आते इधर और फिर, क्योंकि ये इट परमिट्स द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो दे विल ट्राई टू स्प्रेड इवनली, है ना, वो थ्रू आउट द सर्फेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. क्यों होगा ऐसा बच्चे, ये कोई बताएगा मेरे को वाई दिस इज हैपनिंग लाइक दिस, कि इनिशियली तो आए इधर और फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बताओ. इसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यूज करो, जो हमने अब तक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कोई एक प्रॉपर्टी है जो ऐसा करने पर इसको मजबूर कर रही है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, बताएगा कोई मुझे. सर ये रिपेल करेंगे सेम चार्जेस. यस यस एग्जैक्टली, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो लाइक चार्जेस इकट्ठे आ गए तो क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कहेंगे भाई भागो भागो भागो, जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ. क्यों, क्योंकि दैट विल बी मोर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ज्यादा पास होगा वो कंडीशन. तो क्या करेगा, बिल्कुल पेरिफेरी पे आ जाएगा कि भाई अब इससे दूर मैं ना जा पाऊंगा, तो सब एक दूसरे से दूर दूर आ गए, अब बैठ गए, है ना, हो गया ना ये. तो इसलिए ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ऐसा ही पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती, तो क्या करता, चार्ज तो इधर ट्रांसफर हो जाता पॉजिटिव, बट एक्चुअल में हुआ क्या होता कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो रोड पे चले जाते, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर आ रहा है और चार्ज आ रहा है इधर, तो पॉजिटिवली चार्ज आता, फिर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता, तो ये भी सारे फिर पॉजिटिव रहते. तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय
बोलो बोलो। चार्जिंग कंडक्शन बाय कंडक्शन। अब बताओ कितने बच्चों को ये कंडक्शन कंसेप्ट समझ आ गया कि सर हो जाएगा। झूठ मत बोलना। बाकी भाई सो रहे हो? बाकी सो रहे हो क्या? ऐसे सो मत यार, इससे 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 ज्यादा एनर्जी इस पे देने का मतलब नहीं है आई थिंक। क्योंकि मैंने आपको कंडक्टर भी बता दिया, आपको इंसुलेटर भी बता दिया, थर्मल भी बता दिया, और ये भी बता दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। अब देखो जिनको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताता हूँ बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कि कंडक्टर होता है वो जो परमिट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। फ्री, आप एक रॉड थी जिसपे पहले से आपने चार्जिंग कर रखी थी, मान लो मैंने ऐसे रब करके चार्ज कर रखा था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन थे। अब मैं लेके आता हूँ उस रॉड को इधर, ठीक है, इस पे टच करता हूँ ऐसे, तो क्या हुआ, इस पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफर हो गए इस कंडक्टर पे, और जब वो ट्रांसफर हो गए बिकॉज इट परमिट्स द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इस पे भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इतने से मामले को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। गुड है, चलो अब आगे यस सर, बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड हमने बिल्कुल देख लिया था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अब आता है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी के लिए इसका आपको पार्शियली समझ आएगा और अच्छे से समझ आएगा व्हेन वी विल डिस्कस द कौन सा लो, कूलम्स लो, है ना। तो वो पढ़ने के बाद आपको एक बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हाँ जी सर ये भी कुछ चीज है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तब समझ आएगा तब आप पढ़ लोगे किसको, इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी देखो, अभी के लिए बताता हूँ कि कंडक्शन था उसमें तो डायरेक्ट संपर्क में आना जरूरी था, बट इंडक्शन में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडक्शन इज समथिंग दैट इज लाइक रेडिएशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर जरूरी नहीं है बट हो जाएगा। अब देखो जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। अभी ध्यान से सुनना कि जो जो हमारे पास चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनके पास उनके बीच में जो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस है, दे डू नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम इन बिटवीन। उनको मटीरियल मीडियम रिक्वायर ही नहीं है। तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के दूर दूर होंगे तब भी अट्रैक्शन रिपल्शन पॉसिबल होगा। ऐसा फील कैसे करोगे? अब देखो, फील करने के लिए दो चुंबक महसूस करो, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक का ऐसा ही एक जैसा सा बिहेवियर रहता है। मान लो आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, तो क्या उनका संपर्क में आना जरूरी है मैग्नेटिक फोर्स के ट्रांसफर के लिए? नो सर, नहीं है ना। ये आपने ये तो किया होगा ना यार कि मैग्नेट को अब पास में ले गए तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो एकदम ठग से चिपक जाएंगी, और अगर रिपल्सिव है तो चाहे कितना भी दूर से कोशिश कर लो। जाएंगे। मैं तो बड़ा करता था कि पूरी ताकत में आज तो चिपका ही दूंगा इसको बिल्कुल, लेकिन नहीं चिपका पाता था। तो उसके बीच में देर इज सम फोर्स दैट इज एक्टिंग, और उसके लिए आपको बीच में कुछ होना जरूरी नहीं है। अभी हवा, हमारे पास तो हवा है फिर भी एयर है, बट अगर वैक्यूम में भी करोगे तो भी वो ऐसा ही होगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम इन बिटवीन। तो उसी श्रृंखला का या उसी टाइप का दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो क्या बोलेंगे इसको? सेकंड हो गया ये इंडक्शन। अब याद रखना इंडक्शन है, ये नाम मत भूल जाना, बस इसमें इतना ही है। क्या किया आपने सर यहाँ पे? एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आए, देखो ये दिख रही है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको आपने एक कंडक्टर के पास लेके आए। इसको थोड़ा जूम कर लेते आई थिंक, ओके जी, है ना। देखो तो ये अब इस पे लिख नहीं पाएंगे आई थिंक भाई, ये भाई बड़ा दुख है इसका। रुको, नहीं लिख पाएंगे, चलो ऐसे ही समझाता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? समझ आ रहा है? दिख रहा है सर, क्लियर। यस सर, ठीक है बच्चे सर। तो हमने क्या किया, मैं किसी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को पकड़ के लाया किसी कंडक्टर के पास, तो उसने क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर दिया। अब देखो एक नया टर्म आया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड, हाँ। अब क्लाउड तो हम सब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, बादल। बादल में क्या होता है, बहुत सारी टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है। अगर वो इकट्ठी ड्रॉपलेट एक साथ आसमान में इकट्ठी हो जाए तो उसको बोलते हैं क्लाउड, और अगर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इतना सा सिंपल काम है। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या हो गया, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या चीज है। एक एक ऐसे मान लो ये बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई है। स्पेस है इलेक्ट्रॉन के राउंड? नहीं 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 बच्चे, स्पेस नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। रुको, ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक बार ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मान लो बॉल ही है यार और कुछ भी नहीं है, ये डब्बा मेरे पास रखा हुआ है। तो ऐसा ही कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपने एटम्स होंगे, ठीक है। उन एटम्स, वो इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो बहुत सारे एटम है, तो उन एटम का खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो अब हम एटम ड्रॉ नहीं कर रहे, हम उन इलेक्ट्रॉन्स को ही ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, कितने बच्चे एग्री कर रहे हो?
यस सर होंगे, भाई एटम्स होंगे तो यस एटम्स के खुद के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है? तो किसी भी यस ऑब्जेक्ट में सर, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो ये क्लाउड जैसा फील नहीं आ रहा कि बहुत सारे टाइनी टाइनी ड्रोपलेट ड्रोपलेट्स हैं तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को बोल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है? तो अब मान लो इफ इट इज अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या, जो अलाउ करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। अब इसके पास मैं मान लो लेके आता हूँ पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये बहुत भयंकर बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को परमिट भी करेगा फ्लो को, तो जब ये ऑब्जेक्ट में इसके पास लाऊंगा, इसके पास लाने से क्या होगा कि ये जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना राइट साइड में, ये कोशिश करेंगे इधर लेफ्ट की साइड मूव करने के लिए, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज से। तो ये क्या हुआ, इनिशियली तो अनडिस्टर्ब्ड क्लाउड था जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस थे तो सब एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहते थे, तो देवर मतलब वो थे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बट ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो इसके प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मोर डेंसर फॉर्म में, मोर डेंसर तरीके से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इधर से मूव कर गए। देखो ये तो क्या हुआ, इवेंचुअली क्या डिस्टर्ब हो गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ आया थोड़ा? यस सर, यस सर, है ना? जो इसका इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, नाउ दे आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, हो गया? अगर मैं बोलूं कि ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव के जाए मैं नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ बहुत बड़ा, तो क्या होगा, अब नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल 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 करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर ये इधर की बजाय कहेंगे ये, अरे भागो 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 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दे विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स राइट। तो फिर इसका बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो हो जाएगा कि इधर इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, बहुत कम बचेंगे या तो या नहीं बचेंगे, और ये इधर की साइड सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल चार्जेस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज द डिस्टरबेंस इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये क्या हुआ, इधर से इधर 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 आ गए सारे, तो ये हुआ ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस, जब राइट में आ गए, अगर पॉजिटिव होता तो लेफ्ट में आ जाते। अब देखो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए यहाँ भी लिख भी देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको याद रहेगा, ठीक है? अब देखो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए यहां पे आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, ठीक है? यहाँ क्या किया गया, एक नेगेटिव चार्ज को मैं लेके आया, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। देखो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया का मतलब क्या, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे वो लेफ्ट राइट साइड में मूव कर गए सारे। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब ही होता है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव जिधर है उसकी तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज अ कंडक्टर, है ना? अब मैंने दो ऑब्जेक्ट टच करा रखे थे, एक तो ए और एक बी, ये दोनों कंडक्टर है, दोनों को टच करा रखा है। अब तीसरा नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ भाई, जो ए के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो बी में ट्रांसफर हो गए इधर से आके, क्योंकि दे आर कंडक्टर एंड दे आर टचिंग ईच अदर, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन आ गए इधर मूव कर करके। तो दो ऑब्जेक्ट ए के पास जो इलेक्ट्रॉन थे इनिशियली न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल मतलब जहां पे दोनों बैलेंस थे, अभी इनिशियली न्यूट्रल कंडीशन के इलेक्ट्रॉन आ गए बी पर इधर, ठीक है? तो बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी से आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैंने एक बड़ा सा नेगेटिव चार्ज इसके पास रखा है, तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्ज, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर कम हो गए तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज रिपेल इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इधर इससे दूर दूर भाग गए। तो ऐसा हो गया, समझ आया यहाँ तक कि दोनों में एक की तरफ पॉजिटिव एक की तरफ नेगेटिव। कितने बच्चों को ये समझ आ गया कि ऐसा होगा, एक बार हैंड रेज करके कंफर्मेशन दो। शाबाश। अब मैंने क्या किया, फिर जो ये टच करा रखे थे ना इसको हटा के दूर ले गया, दूर ले गया, तो हटाते क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन्स को चांस तो मिला ही नहीं वापिस जाने का, तो इधर बच गए नेगेटिव नेगेटिव वाले सारे और इधर बच गया पॉजिटिव, और फिर ये ऐसा हो गया, फिर इसको भी हटा ले गया कि बस अब अपना काम हो गया। तो अब देखो क्या हुआ कि आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, इसी को तो बोलते हैं नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ड्यू टू बाय यूजिंग दिस हाईली नेगेटिव चार्ज आपने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ये पहले न्यूट्रल था ऑब्जेक्ट ए, बी भी न्यूट्रल था, बट आपने बाद में क्या किया, ऑब्जेक्ट बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड ऑब्जेक्ट ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्यों आया, देखो यहाँ पे गैप है बच्चे, यहाँ पे डायरेक्टली टच नहीं हुए, ये बस उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हाईली नेगेटिव चार्ज। इसके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाया ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी के बीच में। तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वी हैव चार्ज दीज ऑब्जेक्ट्स एंड दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बाद में आए तो फाइनली आपको ए पे पॉजिटिव मिल गया और बी पे नेगेटिव मिल गया। समझ आया?
थोड़ा और इसको फर्दर ले जाता हूँ, ये सब अंग्रेजी है, पढ़ लेना, यही बात लिखी हुई है, पढ़ लोगे ना? यस यस सर, समझना जरूरी है, बाकी ये रीडिंग हो सकती है। अभी इसको पढ़ाएंगे तो तुम लोग ही सोने लगोगे, कहोगे अरे सर बस सुलाओ क्या। ठीक है, अब देखो इंडक्शन से आपको कुछ कुछ जो हम जब ये पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसमें पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर जनरेटर, तो उसमें यही कंसेप्ट यूज हो रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम चार्जेस, वहां पे आप क्या कर रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर ले दो। तो दीज आर द वेरी बेसिक फिनोमेना जो वहां पे यूज होने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा बैक ऑफ द माइंड मैप रखना कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था, मैं तो याद आपको दिलाता ही रहूंगा, बट तब तक के लिए ऐसा सोचना कि इंडक्शन ऐसा था कि ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लिया, तो ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर लेंगे या फिर हम एक पावर भी जनरेट कर लेंगे, तो वो पॉसिबल इसी वजह से हो पाता है बिकॉज वी आर इनडायरेक्टली रीडिस्ट्रीब्यूटिंग दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सम हाईली नेगेटिव या हाईली पॉजिटिव एक्सटर्नल चार्ज। तो अब ये पॉजिटिव होता मान लो, तो इधर नेगेटिव आ जाता, इधर पॉजिटिव आ जाता, फिर ये नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते, ये पॉजिटिव आ जाता, तो जो भी चार्ज आएगा उसकी वजह से रिडिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से हो जाएगा। गुड टू गो? यस सर, यस सर। अब देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये कुछ नहीं था भाई, रबिंग करी हमने, और रबिंग करने से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स की याद में मर रहा है, उसको बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ये तो हो गया, बढ़ूं आगे? यस यस। अब बच गए तीन अलग चीजें, ये देखो ये तीन और तरीके बच गए जिसकी वजह से चार्जिंग करी जा सकती है। फर्स्ट वन इज थर्मियोनिक एमिशन। अब देखो थर्मियोनिक मतलब क्या है, थर्मल से रिलेटेड है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना हीट कर दो कि जो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे दैट आर लूजली बाउंड, यानी कि जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एनर्जी मिल गई उसको फ्रीली बाहर निकलने की, है ना, ऐसा हो सकता है ना भाई, हम करते हैं ना एक्साइटेशन, आपने लाइमन बाल्मर पास्टर ये सीरीज भी पढ़ी होगी, वहां पे क्या करते थे कि वी वर पुटिंग सम फोटोनिक एनर्जी और उसकी वजह से जो बाहर वाले ऑर्बिट में थे उनका वर्क फंक्शन देखा होगा, उतनी अगर उसको एनर्जी मिल जाए तो वो छोड़ के निकल जाएगा, तो वही यहाँ पे पॉसिबल है। अगर वो एनर्जी आपने हीट की वजह से दे दिया, आपने ऑब्जेक्ट को इतना हीट कर दिया कि जो एक्सटर्नल मोस्ट ऑर्बिट में जो मोस्ट लूजली बाउंड जो बहुत आराम से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, इफ दे लीव द एटम या फिर जो मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात करें तो उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के चले गए इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज थर्मियोनिक एमिशन। विद द हेल्प ऑफ हीट यू हैव क्रिएटेड सच अ सिनेरियो कि इलेक्ट्रॉन्स आर लीविंग द मेटल सरफेस, है ना। ये मोस्टली पॉसिबल किस में होगा, कंडक्टर्स में ही होगा, क्योंकि कंडक्टर्स के ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, है ना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ कि दे आर लूजली बाउंड, तो वो निकल गए। अब थर्मियोनिक एमिशन मोस्ट प्रेवलेंट है मेटल्स में, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है भाई, आप एनर्जी तो कितनी भी दे सकते हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कराया तो जा सकता है, बट ज्यादातर पाया जाएगा मेटल्स में। हीट दी, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थर्मियोनिक, तो चार्ज क्या प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव, भाई इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए तो याद हुई, इलेक्ट्रॉन्स की याद में मर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है। अब यही एनर्जी आपने फोटोनिक यानी कि विद द हेल्प ऑफ लाइट, अब ये लाइट ऐसा नहीं है, विजिबल लाइट इज आल्सो लाइट बट सम अदर रेडिएशंस आर आल्सो कॉल्ड एज लाइट। लाइट का मतलब है कि लैम्डा न्यू लैम्डा या लैम्डा न्यू, कि कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भी हो सकती है या फिर नॉर्मल लाइट भी हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बी कॉम्बिनेशन ऑफ सम मल्टीपल वेवलेंथ्स, तो उसमें ये नहीं सोचना है कि भाई सूरज की रोशनी है, नहीं, इट कैन बी सम वेवलेंथ, कोई भी ये है रेडिएशन है बेसिकली इसका मतलब। तो वो रेडिएशन इधर आई, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को सफिशियंट एनर्जी दी एंड दे आर नाउ लीविंग द मेटल सरफेस, तो फिर यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आया। तो विद द हेल्प ऑफ फोटोनिक एनर्जी या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ चार्जिंग। अब ये लास्ट वाला है फील्ड एमिशन, ये ज्यादा अच्छे से समझ तब आएगा व्हेन वी विल हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझ चुके होंगे तब इसका अच्छे से समझ आएगा कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट अ सच ए सिनेरियो कि जो कंडक्टर है या फिर कोई भी मेटेलिक सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स कैसे जा सकते हैं। तो फील्ड की प्रेजेंस की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, तो फील्ड क्या था, देखो इसमें देखो यहाँ भी जो चार्जिंग बाय इंडक्शन था इसमें भी फील्ड ही जनरेट हुआ, बट मैंने यूज इसलिए नहीं किया उस टर्म को क्योंकि वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट, जब डिस्कस कर चुके होंगे तब बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ, उसकी वजह से आपका जो सरफेस है उसको इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर निकल गए, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, जरूरी नहीं है पॉजिटिव आए, कभी कभी अगर वीक फील्ड रहा तो ऐसा हो जाएगा बच्चे कि ऐसा हो गया,
इधर आ गए ऐसे और इधर पॉजिटिव चार्ज, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल है। अगर सब और भी ज्यादा आ गया तो एमिटिव हो जाएंगे, एमिशन है ना, फिर इसके बाद ये निकल ही जाएंगे, निकल गए और फिर फील्ड को बंद कर दो तो इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, तो बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड एज फील्ड एमिशन। ठीक है, तो हमारे पास अभी कुल मिला के कितने आए मेथड्स? यस बोलते जाना, यस बोलते जाना, जिसको जो जो समझ आ गया है ना। चार्जिंग बाय कंडक्शन समझ आया? यस सर, यस सर। इंडक्शन? यस सर, यस सर। कंडक्शन? यस सर, यस सर। एमिशन? यस, यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब तक का देखो चार्ज समझ आया, इलेक्ट्रिसिटी के सारे जो बेसिक फंडे समझ आए, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस से पॉजिटिव चार्ज होता है, और मल्टीपल मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अब नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 3 मिनट बचे हैं, इसके जस्ट बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद सम न्यू कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, तो कल जब क्लास में आओगे तो मैं आते ही क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा, आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाना बच्चे। ठीक है, इसके बाद आपकी क्लास है तो मैं ज्यादा समय भी नहीं ले सकता, नहीं तो मैं अभी करा देता। तो अभी मेरे से किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो बच्चे, जिनको खाना वाना खाना है, डिनर करना है, तो दे कैन लीव द क्लास।